जैसे खान जो सरनेम है उसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है, ये रीजनल टाइटल है। तो इसीलिए मुझे कई बार ये बहुत आयरनिकल लगता है जब भारत में कोई खान टाइटल लेता है या सरनेम लेता है, क्योंकि इसका रिलीजन से भी कोई लेना देना नहीं है। सरनेम अक्सर क्या होता है, सरनेम ये आपका फैमिली लीनियस से आता है। द मोमेंट, क्योंकि फैमिली जो आपका पास्ट है वो तो हिंदू ही है ना, वो तो मुसलमान हो नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। बाबर वॉज अ ब्रूटल किंग, बहुत उसने लोगों को मारा, बहुत उसने कत्लेआम किया, बट स्टिल आर हिस्टोरियंस हैव गिवन हिम अ प्लेस ऑफ अ हीरो। ब्रूटल वो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि जब वो काबुल में एंटर कर रहा है, काबुल में एंटर करते के साथ उसने जो अफगान्स हैं, पश्तूनस हैं, जब पश्तूनस हैं, हाजराज हैं, उन्हें थोड़ा अपोज किया या उनको देखा इसने तो उनको मार दिया, जो कि मुसलमान ऑलरेडी हैं अभी, उनके स्कल टावर्स बनाए। तो तैमूर का ऐसा होता था ना कि वो स्कल के टावर्स बनाता था, तो बाबर ने भी बनाए, और एक टावर में 200 सर होते थे, वो पूरा कैलकुलेट करके बता रहा है कि 200 सर के आगे टावर है। बाबर जब इंडिया में आया तो जैसे डेट्स के हिसाब से कहते हैं कि पानीपत उसकी मेन बैटल थी, जहाँ से उसने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। पर पानीपत हमारे हिंदुस्तान के बिल्कुल बीचों बीच है, एक तरह से देखें नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पर, तो इतने अंदर तक कैसे आया? मतलब देयर शुड हैव बीन मेनी फाइट्स बिफोर ही एंटर्ड इनटू पानीपत। छोटे छोटे स्कर्मिशेस हुए थे उसके, और जनरली क्या होता था कि उसका टारगेट सेट था कि मुझे दिल्ली पे कॉन्कर करना है। जैसा मैंने पहले ही बोला, उसकी विजन क्लियर है, वो बाकी जगह डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है। उनके पास खाने की कमी होने लगी, जब खाने की कमी होने लगी तो अपने घोड़े को मार करके वो खाए। बाबर आ रहा है, हजारों हजारों की संख्या में लोग आ रहे, ऐसे नहीं हो रहा था। एक छोटा सा जत्था निकला था, और ऑब्वियसली जो पहले के बैटल्स भी होते थे, जो हमारा इमेजिनेशन होता है कि मैसिव बैटल इतने जो दिखाया, हाँ वैसा नहीं होता था, क्योंकि उस समय इट वॉज ऑल अबाउट मस्कुलिन पावर। आज आप 2 घंटे युद्ध करोगे आपस में, आप खड़े नहीं रह सकते। इंसान तो उस वक्त भी इंसान ही था ना, आप कैसे इमेजिन कर रहे हो कि सुबह 6 बजे से कोई युद्ध करना शुरू करेगा रात के 12 बजे तक, वैसा नहीं होता था। हेलो दोस्तों, एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। हिस्ट्री एक ऐसा वर्ड है जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी एक ऐसे हिस्ट्री के किरदार की जिसका बर्थ प्लेस है फरगना इन समवेयर अराउंड 15,000 BC, एंड उस 12 साल के बच्चे ने कैसे एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड कैप्चर किया और एक पूरा मुगल एम्परर बनाया, बाबर। मैंने रिसेंटली बुक पढ़ी, बाबर द चेसबोर्ड किंग, पब्लिश बाय पेंगुइन एंड रिटन बाय अभास। इस बुक को पढ़ने के बाद ना बाबर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ। और हिस्ट्री की बुक्स में तो हम पढ़ते हैं, मुगल्स आर द मेन, आर हिस्ट्री बुक्स में मेन जो कैरेक्टर्स हैं मुगल्स के, बट इफ़ यू वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ मुगल्स स्पेशली बाबर, देन दिस बुक इज द परफेक्ट बुक। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट हैव अ डिटेल्ड कन्वर्सेशन विथ आभास अबाउट बाबर, बिकॉज बाबर की हिस्ट्री के साथ साथ देर आर मैनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस विथ बाबर। तो आइए इस पूरे पॉडकास्ट में आज हम आभास से बात करते हैं बाबर के बारे में, एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड पूरी जो उनकी हिस्ट्री है एंड हाउ आभास हैज रिटन दिस ब्यूटिफुल बुक कॉल्ड बाबर। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और क्योंकि ये बुक का मंदिर है प्रेस दिस बेल आइकन। तो आइए बात करते हैं आभास के साथ। सो वेलकम आभास ऑन द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। यहाँ हम बात करते हैं बुक्स की और बुक्स में छुपी हुई थ्योरीज की, क्योंकि हमारा मानना है कि बुक्स सारी बहुत अच्छी होती हैं। जनरली लोग बुक्स को रेटिंग देते हैं, आई डोंट गिव एनी रेटिंग टू एनी ऑफ द बुक्स, क्योंकि मेरा मानना है हर बुक में इतनी छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट थ्योरीज होती हैं विच वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, और आपकी तो बुक ही इतनी इंटरेस्टिंग है जिसका टॉपिक ही है बाबर। सो वेलकम टू आवर शो, एंड बिफोर यू प्रोसीड आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस टू माई ऑडियंस, ताकि उनको पता रहे कि हु इज़ आभास। बिल्कुल, नमस्ते हिमांशु जी, इट्स माई प्लेजर टू बी एट योर शो, एंड नमस्ते टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग इट। सो मैं अपने आप को एक एक्स मार्क्सिस्ट की तरह रिकग्नाइज करता हूँ, और मैं ये शब्द से शुरुआत इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि इतिहास की हम बात कर रहे हैं, और इतिहास के विषय पे मैंने पुस्तक लिखी है,
और जितनी भी हिस्टोरियोग्राफी होती है उसमें मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा है कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में काफ़ी डिस्टॉर्शंस भी हुए हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को हमेशा एक्स मार्क्सिस्ट से रिलेट करता हूँ, ताकि मैं ये बता सकूँ कि एक समय मैं बिल्कुल कम्युनिज्म में बिलीव करता था और मुझे ऐसा लगता था कि कम्युनिज्म ही शायद मेरे देश में उन्नति के मार्ग की तरफ हमको लेके जा सकता है, कम्युनिज्म ही शायद सारे प्रॉब्लम का समाधान है। लेकिन रियलाइजेशन हुआ और उसके बाद मैं कम्युनिस्ट नहीं रहा, इसलिए अब मैं अपने आप को एक्स मार्क्सिस्ट नहीं बुलाता हूँ, और पेशे से मैं आर्किटेक्ट हूँ, आई मेक बिल्डिंग्स फॉर लिविंग। और लेकिन इतिहास में शुरू से काफ़ी रुचि रही, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक हिस्टोरियन हैं और बचपन से इतिहास के एनेक्डोट्स मेरे जीवन का एक पार्ट बन करके रहे। राजा रानियों की कहानियाँ, सल्तनत की कहानियाँ, अम्पायर्स की कहानियाँ, ये हमेशा से इवनिंग टॉक्स हुआ करती थी जब भी मैं अपने पिताजी से बात करूँगा, और उन्होंने मुझे हमेशा से इतिहास की तरफ इंस्पायर ही किया अपने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो इतिहास हमेशा मेरे साथ रहा, और अभी ये मेरी लेटेस्ट बुक आई है जिसको मैं अपना डेब्यू ही मानता हूँ, हालांकि मैंने पहले ही पुस्तकें लिखी है, क्योंकि ये मेरी पहली सबसे सीरियस हिस्टोरियोग्राफी में किताब है। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है जब आप हिस्ट्री में राइटिंग करते हैं तो वो हिस्टोरियोग्राफी होता है, और इस पुस्तक को मैंने बहुत प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल करके लिखा है। मैंने फारसी सीखी थी इस प्रोजेक्ट के लिए, और जो फारसी के मैन्युस्क्रिप्ट है बाबरनामा के, उसको मैंने एक्सेस किया, और उसको एक्सेस करने के बाद मैंने ये पुस्तक का लिखने का काम शुरू किया। तो जैसे 1953 में जदुनाथ सरकार ने अपने स्टूडेंट्स को और उनके स्टूडेंट्स को बोला था अपने रिटायरमेंट के समय कि भारत के लिए ये बड़ा स्वर्णिम समय है, क्योंकि अभी के इतिहास के लेखन में हमारे पास वो सुविधाएं हैं कि हम प्राइमरी सोर्सेज में या वो जो अथॉरिटीज़ के सोर्सेज हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है उनकी भाषा में जा कर के उन तथ्य को निकाल सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये हमारा मिसफॉर्चून रहा कि हालांकि कुछ इतिहासकारों ने उस पर उस मॉडल पर काम किया, प्राइमरी सोर्स पर जा कर के उस भाषा को समझ करके, जैसे संस्कृत, पाली, फारसी, लेकिन 1960 के दशक से या 1970 के दशक से वो ट्रेंड बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आई वो ज़्यादा इकोनॉमिक्स की तरफ हो गई, और जो नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव था वो नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव हमेशा से, जैसे हमको सोच करके लगता है नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव का मतलब देश के लिए हित में बात करना, लेकिन जो नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव था, चाहे जदुनाथ सरकार थे या आर सी मजुमदार थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक रैशनल हिस्टोरियोग्राफी कर रहे थे, और जो तथ्य जैसा है उसको वैसा वो इंटरप्रिटेशन की बात नहीं करते थे, उन्होंने प्राइमरी सोर्स को रेफर किया और ऑब्जेक्टिव इतिहास हमारे सामने रखते थे। लेकिन 70 के दशक से हमारे पास ऐसे इतिहासकार थे जो जिनको पर्शियन नहीं आती थी, जिनको पाली नहीं आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन वो एंशियंट इंडिया, मीडिएवल इंडिया के एक्सपर्ट बन करके प्रोफेशनल हिस्टोरियन भी हो गए। तो इसी रोड ब्लॉक को हटाने के लिए बिल्कुल आगे जब चर्चा होगी तो शायद बात और खुल करके निकल के आ पाएगी, लेकिन इसी उद्देश्य से मैंने हिस्टोरियोग्राफी में कदम रखने की कोशिश किया। हालांकि हाँ, मुझे नेम कॉलिंग होगी कि मैं प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं हूँ, मेरे पास क्या अथॉरिटी है इतिहास में रचना करने की, लेकिन मैंने कोशिश किया है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसको रिफ्यूट कर सकते हैं, इसकी क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द स्कॉलरशिप इज अबाउट। अगर आपको एक कार्य में गलती लग रही है तो आप उसको निकाल करके लेके आइए। मेरा एक हमेशा मानना है, स्पेशली फॉर द हिस्ट्री बुक्स, एक तो ये मैं हमेशा सोचता हूँ कि माइथोलॉजी और हिस्टोरियन हिस्ट्री बुक्स इज द टफेस्ट थिंग टू राइट, क्योंकि आपका कंटेंट बहुत कम होता है या फिर बहुत स्प्रेड आउट होता है, और उस स्प्रेड आउट कंटेंट को खोजना, रिसर्च करना एंड देन टू राइट इट, इट्स अ टफ थिंग। प्लस एक जो अदर व्यू पॉइंट है जो आजकल फैशन में है, वेयर हिस्ट्री इज ट्विक टू अ फिक्शन, और मेरा ये मानना है कि जो जेन जी है या आने वाली जनरेशन है वो हिस्ट्री को हिस्ट्री मानती है, अनलेस यू मेंशन कि इट्स अ फिक्शन। और कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ जब देते हैं तो हिस्ट्री बदल जाती है। ऐसा पहले भी हुआ है, हमने कई हिस्ट्री जो पढ़ी हैं, कई बार वो हमें पता चलता है कि यार वो हिस्ट्री सही नहीं थी। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, हाउ मच फैक्ट्स आर देयर इन दिस बुक?
Or how much fiction is there in your book? There is zero fiction in the book. Or and that's, I'm thankful for that. I'm thankful for that. I love such books which have zero fiction. क्योंकि ये पुस्तक एक प्रॉपर नॉन फिक्शन किताब है. अगर ये नॉन फिक्शन के जेनर में आ रही है तो उसको पूरी जस्टिफाई कर रही है. यहाँ पे एक भी बात बिना सोर्स के, बिना एविडेंस के प्रस्तुत नहीं की गई है. और मैं जनरली प्राइमरी सोर्स से लोगों का ये समझ होता है कि अगर आपने ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ लिया, आपके पास प्राइमरी सोर्स आ गया. लेकिन वो भी सत्य से परे है, क्योंकि कई बार ट्रांसलेटर्स के जो ट्रांसलेशंस होते हैं उसमें ट्रांसलेटर्स के खुद के पॉलिटिकल बायसेस होते हैं, ऑथोरिटेटिव बायसेस होते हैं. ऑथोरिटेटिव बायसेस का मतलब है वो जिस ऑथोरिटी को रिपोर्ट कर रहे हैं कई बार उनके लिए उनके बायसेस होते हैं. जैसे बाबर नामा का ट्रांसलेशन, बाबर जो कि तुझके बाबरी, या फिर जो बाबर की डायरी थी, वो बाबर हर दिन डायरी लिखा करता था और उसी को बाद में हम बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं. उसकी बेटी ने लिखी थी बाबर नामा? नहीं नहीं, उसको बाबर ने खुद लिखा. और उसका तुझके बाबरी जो लिखी गई थी वो चकताई तर्किक भाषा में थी, जो कि एक आर्काइक भाषा है. आज उसकी मैन्युस्क्रिप्ट भी अवेलेबल नहीं है वो वाली. लेकिन उसको फारसी में ट्रांसलेट करवाया अकबर ने तकरीबन 30-40 साल बाबर के देहांत के बाद. और जो पर्शियन ट्रांसलेशन है वो हमारे पास आज भी मौजूद है, इलस्ट्रेटेड वर्शन ऑफ बाबर नामा, उसके फोलियोस, और वो नेशनल म्यूजियम में रखे गए हैं, जिसको मैंने इस्तेमाल करके इसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड की. और क्योंकि मैंने फारसी के टेक्स्ट को डायरेक्ट एक्सेस किया, तो इस वजह से मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि इसमें कहीं पे भी झूठ की गुंजाइश नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो फारसी टेक्स्ट में खुद कुछ गड़बड़ी हो गई थी या फिर मेरे से कुछ गलती हुई है कुछ ट्रांसलेट करने. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैंने जो भी किया है वो पूरा सत्य होगा या फिर बिल्कुल उस लाइन पे चले, क्योंकि गलती हो सकती है. लेकिन कोशिश ये है कि सत्य को ही डाला जाए. ट्रांसलेशन में कुछ गलती हो गई तो वो हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन पूरा है ट्रूथफुल नैरेटिव ऑफ बाबर लेकर के आने का. सो व्हाई बाबर? सो बाबर 1992 की घटना है जो हम सब जानते हैं कि बाबरी को गिराया गया था. और मैं उस वक्त 4 साल का था जब ये घटना घटी थी. और 4, 5, 6 साल ये वो ऐसा उम्र होता है जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं टू सम एक्सटेंट. आपके आसपास में जो बातें होती हैं वो आपके जहन में बैठ जाती हैं. और मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ जिसका नाम हज़ारीबाग है. हज़ारीबाग पहले बिहार, अब वो झारखंड में आता है. रांची से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है. और वो जगह रिलीजियस पोलराइजेशन के लिए जाना जाता है. रिलीजियसली काफ़ी चार्ज माहौल रहता है, इस्पेशली रामनवमी के समय में. तो हर जब भी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त लोग बड़े बड़े ध्वज देख रहे होंगे 30 फीट के 40 फीट के. लेकिन हज़ारीबाग का ट्रेडिशन रहा है कि हर रामनवमी में लोग 50 फीट 40 फीट ऐसे ऐसे बड़े बड़े हनुमान के ध्वज निकालते थे. और उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता था. और इधर ध्वज निकलेगा, उधर से वो एक किसी इलाके से गुजरेगा, पत्थरबाजी होगी और दंगे हो जाएंगे. तो रामनवमी यानी कि श्री राम से जुड़ करके वहाँ पे हमेशा से कुछ न कुछ घटनाएं होती थी. और जब बाबरी विध्वंस हुआ तो डेफिनेटली वो श्री राम से रिलेटेड है. और बाबरी जब आपके मन में शब्द उस वक्त आता है तो लोग उस वक्त बाबर की बात कर रहे थे. अखबारों में बाबर का जिक्र होता था. बाबर वॉज अगेन लाइव राम मंदिर के वजह से. हाँ व्हाट? तो ये घटना मेरे दिमाग में इम्बेड हो गई थी. और चूंकि हज़ारीबाग का माहौल भी वैसा था तो अमूमन लोग उसकी बातें किया करते थे. जैसे आप, और चूंकि मेरे पिताजी इतिहासकार हैं तो उनके थ्रू भी कई बार मुगलों की कहानी मैं सुनता था. और उस वक्त दूरदर्शन पे एक सीरीज आया करता था अकबर के ऊपर. वो किसने प्ले किया मुझे अभी किसने अकबर का रोल प्ले किया था वो मुझे याद नहीं है. लेकिन एक अकबर के ऊपर सीरीज आती थी जो मैं रिलीजियसली देखता था. रिलीजियसली देखने का मतलब कहना है मैं मिस नहीं करता था उसको. मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज थी. और जब NCERT की पुस्तकें खुलनी शुरू हुई, जो आपका पहला ब्रश इन विद इतिहास है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो जिस अंपायर को सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है, जिसने पूरे भारत को एक थ्रेड में बांध दिया था या फिर एक अखंड भारत का रूप दिया था, वो बताया जाता है वो काम अकबर ने किया. तो
अमूमन वो ये जो कैरेक्टर्स हैं आपके साथ चलने लगते हैं। अगर आपको भारत से प्यार है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि, और चूंकि मैक्सिमम ये होता है, मैं यहाँ पे रिलीजियस डिस्टिंक्शन नहीं करना चाह रहा हूँ, बट ये सत्य है कि जो एक जनरली कई बार क्या होता है कि अगर आपने इफ़ यू आर बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, हिंदू सिस्टम बहुत ओपन आर्किटेक्चर है, उसमें आप ये करो तो भी अच्छा है, ये ना करो तो भी अच्छा है, तो उसमें कई बार आप अपने ट्रेडिशन से दूर होने लगते हैं और आपके मन में उस तरह की भावना ही नहीं रहती है कि ये अलग है वो अलग है। आप जो बोलते हैं ना कि हर किसी को एक तरह से देखना, दो ऑल रिलीजन्स आर नॉट सेम, लेकिन बट यू सी ऑल रिलीजन्स एज सेम। तो आपके मन में कभी ये नहीं था कि अकबर कोई दूसरा है या फिर बाबर कोई दूसरा है या मुगल सल्तनत कोई दूसरे का है, जैसे मराठा है वैसे वो हमारे लिए है। लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकें आप उस समय जब आपकी उम्र 8 साल 9 साल 10 साल है तो आपको ये बता रही है कि इन्होंने आपके लिए तो बड़े महत्वपूर्ण फिगर हो गए। और जब मैं मार्क्सिस्ट बन गया था, यानी कि मैं अपने ट्रेडिशन से दूर हो चुका था और मुझे कार्ल मार्क्स की थ्योरी, मैंने कार्ल मार्क्स की पुस्तकें दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ी थी काफ़ी डिटेल में, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद भारत के सारे प्रॉब्लम्स का निवारण भी यहाँ से हो सकता है। और जब कम्युनिस्ट बनने लगते हैं तो आप अपने ट्रेडिशन से दूर हो रहे हैं ऑब्वियसली, सो आपको अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, आपके मन में एक गिल्ट ट्रिप भी आने लगता है कि हमको माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ माइनॉरिटीज से रिलेटेड है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप हमेशा अपने ट्रेडिशन को छोटा दिखाएंगे, उधर ज़्यादा आपकी झुकाव ज़्यादा होने लगा, दैट इज़ वॉट बेसिकली कम्युनिज्म के केस में होता है। आप रैशनल नहीं रहते हैं, हालांकि आप क्लेम करते हैं कि आप रैशनलिस्ट हैं, तो वो मेरे साथ भी हुआ। और जब मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई करना शुरू किया तो आर्किटेक्चर स्कूल एक ऐसा जगह होता है जहाँ आपको बोला जाता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और किसी के इमेजिनेशन में 50 फीट की कैंटिलीवर होगी, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आप इमेजिन करेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। और उसके साथ साथ आप आर्ट थ्योरीज पढ़ते हैं, आर्ट थ्योरीज जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म, और वो आपको अगर आपका लिटरेचर में रुझान है तो आप कम्युनिज्म की तरफ आने लगेंगे, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म सबका रूट कम्युनिज्म है कहीं ना कहीं। और तो उन पुस्तकों में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, और साथ ही साथ आर्किटेक्चर में मुगल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये स्ट्रक्चर्स देखना, चाहे वो दिल्ली का आपका रेड फोर्ट हो या ताजमहल हो, ये सब बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता था। तो फैसिनेशन हमेशा से रहा था इनके लिए, लेकिन जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक ऐसा दौर था जब मैं ट्रांसफॉर्म हो गया, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, उस दौर में मैंने इंडिक स्टडीज पे फोकस करना शुरू किया, और मैंने बुद्धिज़्म को पहले पढ़ा और तो उसके साथ साथ उपनिषद की स्टडीज। लेकिन जब आप रिलीजन की स्टडी करते हैं तो रिलीजन की स्टडी के साथ ही साथ इतिहास भी आता है, इतिहास और रिलीजन साथ साथ चलते हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो जब भारत का इतिहास मेरे सामने खुलने लगा तो मुझे पता चला कि जब हम मुगलों की बात कर रहे हैं, हालांकि इनको मुगल बोलना गलत होगा क्योंकि खुद को मुगल्स नहीं बुलाते थे, तो इसके बारे में आगे चर्चा कर सकते हैं। तो मुझे ये पता चला कि भारत को तो एक सूत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने बांध दिया था बहुत पहले। मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन पे आने वाला था, क्योंकि जब आपने बोला ना कि हम बचपन से अकबर और बाबर इनके बारे में हमें एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है जी, हमें फैसिनेशन होता है इन सब चीज़ों के लिए, देन आई वाज कमिंग ऑन दिस कि क्या हमको ये करवाया गया है, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से तो चंद्रगुप्त ने बहुत पहले ही कर दिया था जी, या मराठास ने बहुत पहले ही पूरे भारत को जोड़ दिया था जी, तो क्या ये हिस्ट्री को ट्विक नहीं किया गया? नहीं, हिस्ट्री पूरी तरह से ट्विक की गई थी, और वो जैसे प्रॉब्लम अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, अब मौर्य एम्पायर का जो नक्शा भी देखेंगे तो आपको बड़ा नजर आएगा, और मैथमेटिकली भी जो मौर्यन एम्पायर था, सो ये जो मुगल काल में सबसे बड़ा एम्पायर हुआ था, औरंगजेब के समय थोड़ा सबसे ज्यादा बड़ा, उसका एक्सटेंड भी मौर्य काल के नक्शे से आपको छोटा दिखेगा न्यूमेरिकली। लेकिन अब जब ये सारे डिटेल्स मेरे सामने खुल के आए तो मुझे लगा कि थोड़ा और पढ़ाई इनके बारे में करना चाहिए, तो मैं ट्रांसलेटेड सोर्स पढ़ना शुरू किया इनके बारे में। और जब ट्रांसलेटेड सोर्स पढ़ रहा था उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये देखा कि ये 5-6 साल पहले की बात है, 5 साल जब इंडिया टुडे ने एक मीम सर्कुलेट किया था कि मुगल काल में भारत का जीडीपी शेयर 35% था, तो
उनका सोर्स था एंगस मैडिसन. एंगस मैडिसन एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है 1 AD to 2030 AD, कंटूर्स ऑफ, बेसिकली कंटूर्स ऑफ इकोनॉमिक वर्ल्ड के ऊपर उनकी पुस्तक है. तो उसको सोर्स उन्होंने यूज़ किया था. तो मैंने उस सोर्स को ओपन किया तो जो इंटरेस्टिंग होकर के निकल कर के आई वो बात ये थी कि अगर 1500 में हमारी GDP शेयर जो थी वो 25% थी, जो 24 point something है एक्चुअली, 1000 AD में, मतलब 500 साल पहले मुगलों के आने से पहले, या टिमुरिड्स के आने से पहले टू बी प्रिसाइज, हमारा GDP शेयर था 28%. 1 AD में 32%. सो इनके पहले हमारा GDP शेयर और बड़ा था. और जब हमारी GDP शेयर चाइना से नीचे हुई सबसे पहले, वो अकबर के काल में. तो हम चाइना से नीचे इकोनॉमिकली हुए अकबर के काल में. और जब GDP शेयर की बात करते हैं तो दूसरा डेटा जो मुझे वहां पे दिखा वो था GDP पर कैपिटा. GDP पर कैपिटा का अर्थ होता है कि जो एवरेज हर इंसान के पास कितनी दौलत है या कितना धन उसके पास है, वो GDP पर कैपिटा है. तो GDP पर कैपिटा ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि कैसे कोई ग्रो कर रहा है क्या. सो एक जो ये फेज था 1500 से 1820 के बीच में, जो कि तकरीबन मुगल काल से कोइंसाइड करता है, उस फेज में GDP पर कैपिटा ग्रोथ नेगेटिव था. इसका अर्थ ये हुआ कि लोग गरीब होते जा रहे थे. तो अगर एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ धन सल्तनत के पास है जो कि 25% वगैरह के आसपास है, लेकिन लोगों का जो धन है वो घटता जा रहा है, इसका मतलब वो धन होड भी कर रहे हैं, वो अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के ऊपर नहीं हो रहा है. तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स उनके डिस्ट्रक्शन प्लंडर के बारे में मैं समझ चुका था कि किस तरह की एट्रोसिटीज हुई हैं, मंदिरें गिराए गए, बहुत सारी चीज़ें थी. लेकिन ये इकोनॉमिक एंगल भी मेरे सामने निकल करके आया. जो जब मैंने इसके बारे में लेक्चर्स देना शुरू किया तो मोहनदास पाई ने मुझे हिंट किया कि अब ये तो तुम लेक्चर दे रहे हो, सो यू शुड मेक अ PPT प्रेजेंटेशन. तो मैंने उसको PPT प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया. और उन्होंने फिर बोला PPT हो गया है तो वाई नॉट अ बुक. सो वहाँ से जर्नी शुरू हुई 4 साल पहले. और मैंने ट्विटर पे अनाउंस किया था कि आप क्या पसंद करेंगे एक हर एम्पायर के ऊपर एक पुस्तक पढ़ना. तो आई गॉट अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स इमीडिएटली. तो मुझे लगा ये प्रोजेक्ट लेकर के चलना चाहिए. और 4 साल पहले मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया. और जब आप मुगल या टिमुरिड एम्पायर की बात करते हैं तो बाबर से ही जिक्र करना शुरू होगा, क्योंकि अगर आप बाबर को समझ लेंगे तो आप पूरा ये समझ सकते हैं कि अंपायर में आगे जो चीज़ें हुई वैसी क्यों हुई. क्योंकि अकबर ने पूरा बेस बना दिया था कि चीज़ें कैसे होने वाली हैं. और बाबर तैमूर के कुछ सपने को पूरा करना चाहता था. तो वो सपना था इस्लामाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने ऐसा इंस्ट्रक्ट किया है. सो ये कहाँ से आता है हमको इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन आता है तैमूर के बायोग्राफर जो कि कोर्ट हिस्टोरियन है, याजदी से. और बाबर ने बिल्कुल क्लियर किया है कि वो तैमूर के सपने को पूरा करना चाहता है. बाबर तो चलिए चंगेज खान और तैमूर का ही वंशज है जी, लेकिन वो खुद को तैमूर से रिलेट करता था चंगेज खान से. चंगेज खान उसकी मदर साइड से जी. और उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो क्यों खुद को मुगल नहीं बुलाता था. ऐसे मंगोल और मुगल सेम है एक्चुअली. कई लोगों का ये मानना होता है कि मंगोल और मुगल अलग है. नहीं, लेकिन मुगल एक अपभ्रंश है मंगोल शब्द का ही. तो चंगेज खान और तैमूर दोनों के कॉमन एंसेस्टर है जिनका नाम तुनमय खान है. तुनमय खान टॉप पे, 5वीं जनरेशन में चंगेज खान और 10वीं जनरेशन में तैमूर आ रहा है. और जो चंगेज खान की लीनियज में आ रहे हैं वो खुद को खान बुलाते हैं या द खान. जैसे खान जो सरनेम है उसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है, ये रीजनल टाइटल है. तो इसीलिए मुझे कई बार ये बहुत आयरनिकल लगता है जब भारत में कोई खान टाइटल लेता है या सरनेम लेता है, क्योंकि इसका रिलीजन से भी कोई लेना देना नहीं है. अगर हम कुछ समय के लिए मान लें कि ठीक है, अगर आपने अपनी पूजा पद्धति बदल ली, आपने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, तो आप रिलीजन से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं. लेकिन आयरनिकली आप जो सरनेम ले रहे हैं वो रीजनल सरनेम है, मंगोल्स का सरनेम है जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे. सो मंगोल डायनेस्टी में कन्वर्जन बहुत बाद में हुआ इस्लाम में. और इस वजह से काफ़ी आयरनिकल है. लेकिन कमिंग बैक टू दिस, सो तैमूर का खुद को काफ़ी पर्शियन समझता है. वो पर्शियन कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस है और मंगोल कल्चर से थोड़ा अलग है. मंगोल कल्चर में क्या होता था, सेक्युलरिज्म बहुत स्ट्रांगली वर्क करती थी. तो मतलब मेरा कहने का अर्थ है चंगेज खान बहुत ब्रूटल था लेकिन वो
एक सेक्युलर किलर था। सेक्युलर किलर कहने का मतलब यह है कि वो बिना रिलीजन पूछे मारता था, उसके रिलीजन का कोई महत्व तो नहीं था उस तरह से। और हालांकि चंगेज खान द खान्स ने, जिसका सरनेम मुसलमान रखते हैं आजकल, उन्होंने सबसे ज्यादा परसिक्यूशन किया था मुसलमानों का। और इनफैक्ट जो हिलेगू खान है, जो कि ग्रैंड सन है तैमूर के, उन्होंने बगदाद को ख़त्म कर दिया था और वो दूसरे एरियाज में बढ़ रहे थे डिस्ट्रक्शन करने के लिए, और इस्लामिक सिविलाइजेशन को ऑलमोस्ट उसने वाइप आउट कर दिया था ऑलमोस्ट। तो जैसा एक ये माना जाता है कि इस्लाम की कभी हार नहीं हुई, इट केप्ट ऑन प्रोग्रेसिंग, या फिर मैं शब्द बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहा हूँ, इस्लाम की हार, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इस्लाम ग्रो किया, इसलिए मैं ये कंटेक्स्ट में लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन इस्लामिक एम्पायर, प्रिसाइजली वो इस्लामिक एम्पायर, तो इस्लामिक एम्पायर ऑलमोस्ट एंड हो रहा था, क्योंकि बगदाद जो सेंटर था उनका, उसको हिलेगू खान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उसके बाद खलीफा की मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में एक उसका कज़न है बरके खान, बरके खान जो कि चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे जोची खान का बेटा है, वो कन्वर्ट हो गया इस्लाम में। ये पहला कन्वर्जन है उसको, एक सूफी ने कन्वर्ट किया है। और जब वो वापस आता है और देखता है कि हिलेगू खान आगे बढ़ रहा है डिस्ट्रक्शन के लिए, सर मंगोलियन कन्वर्टेड टू खान, हाँ फर्स्ट मंगोल इस्लाम, हाँ इस्लाम फर्स्ट मंगोल, तो वो बोलता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। मोर के जोची को भी, जो उसका पिता है, उनको भी शायद बोलता है कि ऐसा सही नहीं है। मोर के जो एक उसका मोर के उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है सही से। सो इन दोनों के बीच में एक और भाई है मोर के, जो रूल कर रहा है एक पर्टिकुलर गोल्डन होर्ड पे। गोल्डन होर्ड एक एक ट्राइब है इनका, मंगोल्स का। तो उसको जब उसको बोलता है कि नहीं, हिलेगू सही नहीं कर रहा है, वी नीड टू स्टॉप हिम, इस्लाम इज अ ग्रेट रिलीजन, और उसके खिलाफ इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। तो मंगोल्स ने उससे पहले इतने बड़े लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ तलवारें नहीं उठाई थी। ऐसा बोलते थे कि मंगोल कभी दूसरे मंगोल के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता, या उसका खून नहीं गिरा सकता है। लेकिन बरके ने, बरके जाता है युद्ध में जस्ट फॉर द सेक ऑफ इस्लाम अगेंस्ट हिज मंगोल ब्रदर हिलेगू खान। लेकिन इसमें हिलेगू की हार हो जाती है, और उस हार के बाद धीरे धीरे उस हार के बाद पहला इस्लाम अब फैलने लगता है एम्पायर में। लेकिन अगर युद्ध का रिजल्ट मान लीजिए अलग होता, तो कहानी बिल्कुल ही अलग होती, क्योंकि इस्लाम वॉज गेटिंग वाइप्ड आउट इंटायरली उस वक्त। और फिर ये जो हिलेगू खान है, कुछ दिनों के बाद उनका हेल्थ खराब हो जाता है एंड ही डाइस, और उसके बाद कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो प्रेटेक्स्ट ये है कि मंगोल्स बड़े सेक्युलर लोग, और तैमूर सेक्युलर नहीं है, वो इस्लाम के नाम पे मारता है, ही इज फैनेटिक। और बाबर इस तैमूर के सपने को पूरा करना चाहता था। और आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि एक दौर ऐसा था जब यूरोपियंस 18 सेंचुरी में चंगेज खान को अपना रोल मॉडल मानते थे। तो एक वोल्टायर का नाम सबने सुना होगा, वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और वोल्टायर के गुरु थे डॉक्टर लॉक। तो डॉक्टर लॉक भी चंगेज खान में इंस्पिरेशन देखते थे, और एक गिब्बन, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है जिन्होंने रोमन एम्पायर की पूरी हिस्ट्री लिखी है, उनके हिसाब से डॉक्टर लॉक की फिलोसफी और चंगेज खान में बहुत सिमिलैरिटी थी। तो वोल्टायर के गुरु और चंगेज खान के बीच में कंपैरिजन कर रहे थे वो लोग। उसका कारण ये था कि चंगेज खान वॉज एक्सपेंशनिस्ट एंड ही वॉज सेक्युलर, सो उसमें यूरोपियन मोरालिटी से वो बिल्कुल अच्छे से फिट इन हो रहा था। तो अंपायर जो इसने एस्टैब्लिश किया बाबर ने, उसका नाम था तिमुरिड गुरखानिया, ओके, नॉट मुगल। और तिमुरिड गुरखानिया वो इस तरह से आता है क्योंकि तैमूर के दो सपने थे। एक सपना था कि उसको खलीफा बनना है, और दूसरा सपना था कि मुझे खान बनना है। खान वो बन नहीं सकता क्योंकि चंगेज खान के लाइन में वो आता नहीं है, वो दूसरे लाइन से है। और खलीफा वो बन नहीं सकता क्योंकि खलीफा बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फैमिली में बॉन्ड होना पड़ता है। सो ऐसे में उसने क्या किया, एक माइथोलॉजिकल टेल प्रोपेगेट की कि मुझे डिवाइन ऑर्डर है, और मैं शायद मेरे पर डिवाइन पावर है, और आई एम ऑलमोस्ट लाइक खलीफा। लोग मानने लगते हैं, मीडियवल एरा में अक्सर ऐसा होता था कि किसी राजा या रूलर ने कुछ बात फैला दी, तो अकबर ने भी किया था। हाँ, अकबर ने भी किया था। और उसके बाद वो क्या करता है, चंगेज खान के घर में शादी कर लेता है, मतलब उसके फैमिली के लीनेज में, और खुद को टाइटल देता है गुरखानिया। गुरखानिया का मतलब मंगोल लैंग्वेज में होता है सन इन लॉ। और उसने जो अंपायर एस्टैब्लिश किया उसका नाम था तिमुरिड गुरखानिया, और जो कि इंस्पायर्ड बाय पर्शियन कल्चर है।
विच डजंट फॉलो द मंगोल कल्चर, और गुरखानिया सिर्फ इसलिए कि चंगेज खान नहीं बन पाया तो थोड़ा रिलेशन दिखे करके। तो बाद में बाबर ने भी जो अंपायर एस्टेब्लिश किया वो तिमुरिड गुरखानिया था, वो मंगोल अंपायर नहीं था या मुगल अंपायर नहीं था। फिर ये मुगल वर्ड कहाँ से आया? मुगल वर्ड आता है क्योंकि जो यूरोपियंस का नजरिया था, किसी को भी देखने का कल्चर और ट्रेडिशन नहीं होता था, उनका रेस एथनिसिटी होता था। चंगेज और तैमूर दोनों के कॉमन एंसेस्टर जो कि मंगोल हैं, सब किसी सब मंगोल नहीं है, लेकिन ये खुद को रिकॉग्नाइज कल्चर से करते थे। इनका रिकॉग्निशन एथनिसिटी से नहीं था, लेकिन यूरोपियंस के लिए सब कुछ एथनिसिटी ही था। जब उनके बारे में उन्होंने पुस्तक लिखनी शुरू की 17वीं सदी वगैरह से, तो उन्होंने इसको हमेशा मंगोल या मुगल की तरह ही एड्रेस किया। और जब बाद में भी हमने अपनी अपने इतिहास के पुस्तक भी लिखे, हमने कॉलोनियल बैगेज को ही आगे बढ़ाया, हमने इनके सोर्स मतलब इन्होंने जो खुद लिखा है उसको रिजेक्ट करते हुए हमने यूरोपियन नैरेटिव को ज़्यादा आगे बढ़ाया, इसलिए वो बहुत बड़ी गलती हो गई। और हमने आज अगर कोई परीक्षा में विद्यार्थी लिख दे कि मुगल एम्पायर वॉज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय बाबर, उसको शून्य अंक मिल जाएंगे, लेकिन वो फैक्चुअली रॉन्ग है। बिल्कुल सही आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रहे हो, मतलब आई एम जस्ट लॉस्ट इन टू दैट एरा। अच्छा एक क्वेश्चन इससे दिमाग में आया, जैसे आपने कहा खान्स आर नॉट मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स के सरनेम्स क्या हैं? बिकॉज अब आप जब बता रहे हो तब मेरे दिमाग में आ रहे हैं बाबर का तो कोई सरनेम है ही नहीं या अकबर का तो कोई सरनेम है ही नहीं, सो बट नाउडेज वी हैव सरनेम्स फॉर ऑल मुस्लिम कम्युनिटी। सो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जितने भी सरनेम्स एक्चुअली आप देखते हैं सारे रीजनल हैं। सो मंगोल्स, मैं मंगोल्स पे वापस आऊँगा यहाँ पे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है इस केस को इस्टेब्लिश करने के लिए। सो मंगोल्स का क्या था कि वो अपने सब्जेक्ट्स का पूरा ध्यान रखते थे, अपने लोगों का, लेकिन और मुसलमानों का प्रोसिक्यूशन भी किया क्योंकि वो एनिमी स्टेट से थे इसीलिए हुआ, लेकिन जो मुसलमान उनके टेरिटरी में रहते थे उनका वो पूरा ध्यान रखते थे। तो कुछ मुसलमानों ने उनको टाइटल दिया था डिफेंडर ऑफ रिलीजन का भी, हालांकि एक तरफ आप जानते हैं कि चंगेज ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा, दूसरी तरफ मुसलमानों ने उनको एक टाइटल दिया है डिफेंडर ऑफ रिलीजन का भी, तो बड़ा सेक्युलर आदमी था। लेकिन दो रूल थे उसके एम्पायर में, वो रूल ये था कि हलाल स्लॉटर नहीं हो सकता है और आप शरिया फॉलो नहीं कर सकते, आपको मंगोल कल्चर फॉलो करना पड़ेगा, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो आपको मंगोल ट्रेडिशन को ही फॉलो करना पड़ेगा। ये अर्थात अगर मैं थोड़ा इसको और रेफरेंस दे दूं, अगर भारत में कोई भारतीय पासपोर्ट लेकर के रह रहा है और वो बोलता है कि मैं भारतीय कल्चर नहीं फॉलो करूंगा एंड चंगेज खान हैपेंस टू बी हमारा लीडर, तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, आप पे प्रोसिक्यूशन होगा, यू आर नॉट फिट टू लिव हियर। ये चंगेज खान का रूल था। और जितने भी इसीलिए जैसे खान सरनेम का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो अभी जो लोग जो मुसलमान सरनेम लेते हैं, जब उन्होंने खान सरनेम लिया वो मंगोल से लिया, जब ये सरनेम लेते हैं कुरेशी वगैरह तो ये अरब से ले रहे हैं, जब उस्मान या उस्मान वगैरह ले रहे हैं तो ये भी अरब से ले रहे हैं। सो बेसिकली नाम एक है, सरनेम अक्सर क्या होता है, सरनेम ये आपका फैमिली लीनियस से आता है द मोमेंट, क्योंकि फैमिली जो आपका पास्ट है वो तो हिंदू ही है ना, वो तो मुसलमान हो नहीं सकता क्योंकि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, जिसमें भी डिबेट है एक्चुअली, ये अलग बात है कि इस्लाम कब शुरू हुआ उसमें भी काफ़ी डिबेट है। इनफैक्ट बहुत सारे थीरीज हैं कि इस्लाम बहुत बाद में शुरू हुआ देन, और इस्लाम की स्टोरी बहुत अलग है जिस कंपेयर टू व्हाट जो क्लासिक टेल है जो आपको बताया जाता है। खैर उसमें हम आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज उसका विषय ये नहीं है, लेकिन जो भी था आप रिलीजन रिलीजियस आइडिया जितने भी आए वो एक इम्पोर्ट थे। तो सरनेम हैज टू बी योर फैमिली नेम या जगह का नाम होता है। जैसे मेरा नाम अगर मलदयार है वो मेरा फैमिली नेम है, ये फैमिली नेम मैं कैरी कर रहा हूँ जो लीनिए से चला आ रहा है। सो हाउ कैन यू फाइंड दैट एक अरेबियन सरनेम, और जैसे आपने ऐसे सरनेम सुने होंगे जयपुरिया रुखरिया सारी जगह पे भी बेस्ड रहते हैं राइट। फिर तो अब तो ये जितने भी सरनेम्स आप देख रहे हैं ये सारे इम्पोर्टेड हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन अभी गुजरात में हो गया या फिर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुसलमान भी अपना सरनेम हिंदू सर पटेल सरनेम आपको मिलेगा। अच्छा ऐसे बहुत सारे सरनेम मिले जिन्होंने फैमिली लीनिएज को कंटिन्यू किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने फैमिली लीनिएज को रिजेक्ट कर दिया है। परफेक्ट परफेक्ट। सो कमिंग बैक टू बाबर, लाइक बाबर का जो कैपिटल था वो आदिजान अंदिजान, हाँ बट आपकी बुक में ऐसे मेंशन है कि
वैसे वो टर्किश जगह थी, बट वहाँ के लोग टर्की नहीं बोलते थे, तुर्की नहीं बोलते थे जी, दे हैड सम डिफरेंट लैंग्वेज. तो ये क्या रहस्य है इसके पीछे, मतलब व्हाई नॉट टर्की? सो बेसिकली वहाँ पे टर्क रहा करते थे, लेकिन जो लैंग्वेज का मोड था, या तो मंगोलाइड लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, या तो वो पर्शियन का इस्तेमाल ज्यादा किया करते थे, और तुर्की में वार्तालाप कम हुआ करती थी. सो इसका कारण ये है कि जो इन्फ्लुएंस था वो या तो मंगोलाइड इन्फ्लुएंस था, या तो पर्शियन इन्फ्लुएंस था. टर्किक इन्फ्लुएंस उस तरह से कभी आया नहीं, और अभी भी जो जो टर्क्स हैं वो एक्चुअली तो एनाटोलिया वगैरह वो ग्रीक्स वगैरह हैं, दे आर नॉट द एक्चुअल टर्क्स इवन, जो आज तुर्की में रह रहे हैं. सो उस वक्त भी जो टर्क्स आकर के रह रहे हैं तुर्किस्तान वगैरह से, वो लोग फॉलो कर रहे हैं कल्चर ट्रेडिशन पर्शिया का, या तो ट्रेडिशन, क्योंकि जो तुर्क शाही थी एक समय के, तुर्क शाही तो हिंदू थी, तुर्क शाही हिंदू थी, काबुल शाही हिंदू थी, ये सारे जो लोग थे वो हिंदू ट्रेडिशन फॉलो करते थे. तो जब आप एक नए रिलीजन को अडाप्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने कल्चर को छोड़ते ही हैं, और भाषा उस कल्चर का एक पार्ट होती है. और जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक थी कैथरीन निक्सन की, अबाउट द डार्कनिंग एज, वो कैसे पेगन वर्ल्ड को क्रिश्चियनाइज किया गया, उसके ऊपर किताब है. तो वहाँ पे ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, पहले आपकी भाषा जाती है, फिर आपके त्यौहार जाएंगे, फिर आपके सिंबल्स लिए जाएंगे, ऐसे ऐसे करके कल्चर ख़त्म होता है. तो यहाँ पे जो हम अंदिजान में केस देख रहे हैं, ये मोस्टली इज द इन्फ्लुएंस दैट हमने वो ट्रेडिशन को छोड़ दिया है करके. सॉरी इंटरप्ट करूँगा, वो आपने बताया ना पहले भाषा जाती है, फिर सिंबल जाते हैं, फिर कल्चर जा रहा है. तो इसमें दिमाग में क्वेश्चन आया, लाइक हिंदी हमारी भाषा, मैं भी करंट जनरेशन को अगर देखूँ तो हिंदी जा रही है जी, मतलब द प्रेजेंट जनरेशन, अगर आप उनसे पूछोगे ना पांच सब्जेक्ट में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, दिल से हिंदी. हिंदी लिखना और पढ़ना दोनों ही धीरे धीरे जा रहा है. सो लेकिन इसमें पता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, मेरी खुद की मातृभाषा हिंदी है, मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ, वहाँ पे कन्नड़ा भाषा में बात होती है. जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ, जब मैं अपने अपार्टमेंट सोसाइटी में जा रहा होता हूँ, लिफ्ट से नीचे जा रहा हूँ, बच्चे कर्नाटका के ही है, आपस में अंग्रेजी में बात करते हुए आपको मिलेंगे, आपस में वो कनाडा में बात नहीं कर रहे होंगे. अगर आप किसी भी रीजन में चले जाएं, कहीं ना कहीं अपनी भाषा जो मातृभाषा है उससे लोग दूर भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों से अंग्रेजी में वार्तालाप कर रहे हैं. अब मैं विद्यार्थी हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल का, वहाँ पे भी ऐसा बोला जाता था कि टॉक इन इंग्लिश वो कहानी रहती थी सब कुछ. लेकिन जब हम घर आते थे तो माँ और पिताजी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि अंग्रेजी में ही बात करना. अभी स्कूल्स के ट्रेडिशंस ऐसे भी हो गए हैं, जो स्कूल्स के आइडियाज इंपोर्ट किया था इन डाइनिंग स्किल्स, आपको ये सिखाया जाएगा कि स्पून फोक नाइफ. सो जो एटिकेट्स हैं वो काफी परिवर्तित हो रहे हैं. तो कहीं ना कहीं जो मकौले का ये प्रोजेक्ट था, वेस्टर्न मकौले का जो प्रोजेक्ट था अंग्रेजी क्लर्क बनाने का, वो प्रोजेक्ट तो कंटिन्यू अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है बिल्कुल. और ये जो भाषा का नुकसान हो रहा है ये बड़ा भयावह है, क्योंकि आप ये मान के चलिए अगर 5 साल के बाद आपने हिंदी की बात की, हिंदी नहीं बोल रहा है कोई, मैं कर्नाटका में ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ, 5 साल या 10 साल बाद आज से कनाडा में बात नहीं हो रही है, एक जनरेशन के बाद वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गई है. अगर हम चले जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, वहाँ पे लोग अगर अपनी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर भाषा चला जाएगा तो अपना सिंबल सब गंवाने लगेंगे, क्योंकि कुछ चीजों की मीनिंग उसी भाषा में हो सकती है. सो धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन, ये बहुत क्लियर है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है. लेकिन अब तो फॉर्म में धर्म और रिलीजन इक्वल टू करके ही आता है. सो वो सब चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं. अब ये चेंजेस और भी अगर प्रॉब्लमेटिक हो गए, हम ट्रेडिशन से दूर भागते हैं, अगर आपने एक ट्रेडिशन को आज फुलफिल नहीं किया तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है शायद वो पूजा पद्धति नहीं करेगी. जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कायस्थ समाज चित्रगुप्त की पूजा करता है. मैं कायस्थ हूँ जी.
तो कायस्थ का चित्रगुप्त की पूजा करता है, लेकिन मान लीजिए एक जनरेशन है जो किसी दूसरे शहर में जाकर के रह रहा है, और उन्होंने वो बिल्कुल दूर हो गया फैमिली से, और उन्होंने चित्रगुप्त की वंदना करनी बंद कर दी, तो वो ट्रेडिशन तो चला जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये दिखाना है, लेकिन ट्रेडिशन सिंबल के साथ जाता है, ट्रेडिशन चला जाता है अगर आपकी भाषा का नुकसान हो गया। और ये जो आपने अंदिजान में का एग्जाम्पल दिया, वो बेसिकली एक कॉलोनाइजेशन था जो हो चुका था, जो एक रिलीजियस कॉलोनाइजेशन था। क्योंकि ये क्वेश्चन ना मेरे को हमेशा आता, जैसे कि क्योंकि मैं बहुत ही वोरेशियस रीडर हूँ, तो मैं गीता, रामायण, वेद, पुराण भी पढ़ना चाहता हूँ कई चीज़ें, पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि इफ़ आई लुक, मैं अपने बच्चों को देखूँ या उनके फ्रेंड्स को देखता हूँ, मुझे लगता है क्या है, गीता, वेद, पुराण इस जनरेशन तक के लोग तो पढ़ लेंगे, समझ रहे हैं, बट वो जो आने वाली जनरेशन है, अगर वो हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ती है, नहीं समझती है, तो वो जो एसेंस है वेदों पुराणों का वो ख़त्म हो जाएगा। इट्स ऑल फिनिश्ड। आप ट्रांसलेट कर सकते हो, बट वो जो एसेंस है उसका, जो ओरिजिनलिटी है, वो भी ख़त्म हो जाती है ट्रांसलेशन के साथ। बिल्कुल, ट्रांसलेशन मिस ट्रांसलेशन होते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन होते हैं, बायस्ड हो जाते हैं। बिल्कुल, आप हम तो बहुत दूर जा रहे हैं वेद पुराण, बिकॉज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इनफैक्ट बाबर नामे के ट्रांसलेशन में मैंने प्रॉब्लम देखे हैं भाई, जैसे मैंने पहले भी बताया इंट्रोडक्टरी नोट में, दैट जो ट्रांसलेशन होता है उसमें किस ऑथोरिटी को आप रिपोर्ट करते हो उसका बायस भी रहता है उसमें। और ऐसे चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की इस प्रोजेक्ट के साथ, तो डेफिनेटली जो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इतने हाइयर लेवल के हैं, जो हिंदू दर्शन के हैं, उसमें तो परेशानी आएगी अगर भाषा का ज्ञान नहीं रहा। और यही बायस पे अगर मैं बात करूँ बाबर को लेके, लाइक व्हाट आई रेड फ्रॉम योर बुक एंड फ्रॉम द हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड रिसर्च वर्क, बाबर वॉज अ ब्रूटल किंग। बहुत उसने लोगों को मारा, बहुत उसने कत्लेआम किया, बट स्टिल आर हिस्टोरियंस हैव गिवन हिम अ प्लेस ऑफ अ हीरो। अगर आप में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें या और भी अपने हिस्ट्री को पढ़ें, तो एक हीरो की तरह प्रेजेंट करते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बार्ड में और चैट जीपीटी में डाला डिटेल्स अबाउट बाबर, पहली दो तीन लाइनें ने ऐसे आई, मतलब कि इफ़ आई रीड कि ही वॉज अ सेक्यूलर किंग विद अ विजन एंड ऑल दोज वर्ड्स, जो इसको हीरो की तरह इमेज प्रेजेंट करते हैं जी। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? सो सेक्युलरिज्म तो उस समय का मोरालिटी था ही नहीं टू स्टार्ट विद, और ये बिल्कुल गलत होगा उस समय के हिस्टोरिकल फिगर्स को आज के मॉरल कंपासेस से देखना। जैसे सेक्युलरिज्म आज का मॉरल कंपास है, लेकिन उस समय वैसा नहीं था। अगर एक हिंदू राजा भी अपने धर्म को लेकर के बड़ा सीरियस रहता था, बाबर भी अपने दीन को लेकर के बहुत ही सीरियस था, और उनके जितने भी आइडियाज थे, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ही वॉन्टेड टू फिनिश द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ तैमूर, जो कि था पूरे विश्व का इस्लामीकरण, लेकिन भारत पे फोकस था क्योंकि तैमूर ने भारत में अल हिंद पे अपना साम्राज्य नहीं इस्टेब्लिश कर पाया था, उसको पूरा करना था। उसके साथ साथ बाबर की जो ब्रुटैलिटी है वो रिलीजन बेस्ड नहीं है। मैं इसको क्लियर आउट करूंगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ब्रूटल वो बाई डिफॉल्ट है, क्योंकि जब वो काबुल में इंटर कर रहा है, काबुल में इंटर करते के साथ उसने जो अफगान्स हैं, पश्तूनस हैं, जब पश्तूनस हैं, हाजराज हैं, उन्हें थोड़ा अपोज किया या उनको देखा इसने तो उनको मार दिया, जो कि मुसलमान ऑलरेडी हैं अभी, उनके स्कल टावर्स बनाए। तो तैमूर का ऐसा होता था ना कि वो स्कल के टावर्स बनाता था, तो बाबर ने भी बनाए, और एक टावर में 200 स्तर होते थे, वो पूरा कैलकुलेट करके बता रहा है कि 200 स्तर के आगे टावर है। सो जो राजा कटे हुए धड़ से कटे हुए सर का टावर बना करके उसको काउंट कर रहा है, उसको एनालिसिस दे रहा है अपने डायरी में, जैसे आज आप अपने काम पे गए, काम के बाद आपने आकर के बोला कि अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आज मैंने इतने अकाउंट्स क्लोज किए, ये वो, मैं आर्किटेक्ट हूँ तो आज मेरा ये था, टूटू था, आज मैंने ये ख़त्म किया। हम ये सब चीज़ें की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अपने डायरी में, नॉट टू फॉरगेट, बाबर नामा उसकी डायरी है, और डायरी में बोल रहे हैं आज मैंने 200 लोगों को मारा, यहाँ पे ये मिले, और उसके बाद मैंने उनका सर का टावर बना दिया। सो इमेजिन द ब्रूटल थॉट व्हाट दिस मैन हैज। हाँ, बाबर को अगर किसी को हीरो बनाने का इतना ही शौक है, तो हीरो बनाने के लिए और भी तरीके हैं।
अच्छा पोएट था, मैं मना नहीं करता हूँ, बहुत ही सुंदर पोएट था, उसकी पोएट्री बहुत अच्छी है। बाबर को अगर आपको बढ़ाई करनी है, उसके विजन की बढ़ाई कीजिए। हाँ विजन था, अगर वो इस्लामीकरण करना चाह रहा है वो भी एक विजन है, मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन वो एक विजन है। जैसे कार्ल मार्क्स के आइडियाज के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन कार्ल मार्क्स के पास एक विजन था। राइट, अभी अभी के अगर अभी के कंटेक्स्ट में उसको रिलेट करना चाहें हम, बहुत सारे पॉलिटिशियंस तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस में आपको कुछ विजन नजर ही नहीं आएगा, वो क्या बकवास कर रहे हैं आप बस यही बोल सकते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे जिनके मत से शायद आप सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको उनको सुनना है। वो विजन होता है, आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो डिसएग्रीड पॉइंट ऑफ व्यू भी एक वर्ल्ड व्यू है। जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो एक वर्ल्ड व्यू है ना, जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा, आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इस्लामाइजेशन, लेकिन स्टिल दैट वाज अ विजन उसका था, उसके पास एक विजन था, मुझे ये करना है ये करना है, स्टेप बाय स्टेप वो उस पर काम करता रहा। तो जिस इंसान ने अपने पिता को 11 साल की उम्र में गंवा दिया और उसके चाचा मामा कजन सब मिल करके उसके साम्राज्य के पीछे पड़ गए, वो भागता चल रहा है और उसको बस ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को बचा लूं, वहां से उठ करके ये इंसान आता है, कैंपेन लेकर के जा रहा है भारत की तरफ कि मेरे बहुत पहले के एंसेस्टर हैं, उनके सपने को मुझे पूरा करना है। आपको अगर, लेकिन अब यहाँ पे कैच ये आता है, अगर आप वहां पे हीरो देख रहे हैं तो आप क्या भारत के मित्र हैं या कोई और है? तो अगर मैंने पहले ये बताया कि आप उसको हीरो कैसे देख सकते हैं, फिर मैं ये बता रहा हूं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कोई अगर आपको हीरो नजर आ रहा है तो बिल्कुल सवाल ये उठता है कि आप भारत के मित्र हैं या कोई और है, क्योंकि अगर कोई भारत में आकर के हानि कर रहा है तो आपका मित्र तो नहीं हो सकता, हीरो तो नहीं हो सकता ना। जैसे ओसामा बिन लादेन के भी तो विजन थे ना, या फिर अल बगदादी के भी विजन थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम उसको मित्र बना लेंगे। बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन वही था एक्चुअली, मतलब देन व्हाई आर बुक्स आर स्टिल शोइंग हिम एज अ हीरो? क्योंकि उसका रीजन ये है, और मैं बिल्कुल अच्छे से ये बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं एक कम्युनिस्ट था और कम्युनिज्म की जो आइडिया है इंटरसेक्शनैलिटी पे चलती है, उसका जो कल्चरल मार्क्सिज्म है उसमें ये तय किया गया है कि जो ऑप्रेस्ड कौन है और ऑपरेसर कौन है, वो सेट बना दिया गया है कि जैसे अगर आप यहाँ के मेजॉरिटी हैं तो आप ऑपरेसर हैं, आप माइनॉरिटी हैं तो हमेशा आप ऑप्रेस्ड ही रहेंगे। माइनॉरिटी शायद वो माइनॉरिटी नंबर से नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपने जो डेफिनेशन दे दिया है वो वही चलेगा। अब जब ऐसा नोशन है तो उसमें जब आप इतिहास पे आते हैं तो आपको तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उनके लिए तो मुगल वो हो जाते हैं जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने जबरदस्ती का ये बना दिया है कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माइनॉरिटी, तो उनको तो एक अच्छे लाइट में दिखाना ही पड़ेगा। बड़ा कष्ट होगा छत्रपति शिवाजी महाराज को अच्छे लाइट में दिखाने के लिए। राइट, तो ये जो कम्युनिज्म का एजेंडा था, जिस तरह से ये चलता है कि जो मेजोरिटेरियन है या जो हिंदू है उसको नीचा दिखाना है, और तो इस एजेंडे के तहत कई बार ओवर ग्लोरिफिकेशन हुआ है इन आक्रांताओं का। बाबर जब इंडिया में आया तो जैसे डेट्स के हिसाब से कहते हैं कि पानीपत उसकी मेन बैटल थी, जहाँ से उसने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। पर पानीपत हमारे हिंदुस्तान के बिल्कुल बीचों बीच है, एक तरह से देखें नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पर, तो इतने अंदर तक कैसे आया? मतलब देयर शुड हैव बीन मेनी फाइट्स बिफोर ही एंटर्ड इनटू पानीपत। फिर हम ये पानीपत का ही जिक्र क्यों करते हैं? मतलब कश्मीर से लेके पानीपत तक बोले पंजाब के एरिया से भी एंटर करना, देयर वुड हैव बीन मेनी एम्पायर्स। छोटे छोटे स्कर्मिशेस हुए थे उसके, और जनरली क्या होता था कि उसका टारगेट सेट था कि मुझे दिल्ली पे कॉन्कर करना है। जैसा मैंने पहले ही बोला, उसकी विजन क्लियर है, वो बाकी जगह डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है। और जब वो काबुल घुसता है तो जैसे मैंने हाजराज का जिक्र किया था या फिर पश्तूंस का जिक्र किया था, सो ये सारे वो लोग हैं जो इनको अपोज कर रहे थे बाबर को, और छोटे छोटे युद्ध हुए यहाँ पे उनको हरा करके, इसने उनके स्कल टावर्स भी बनाए और इसने कुल मिलाकर के 5 अटेम्प्ट किए भारत में घुसने के लिए, 5वें अटेम्प्ट में ये सक्सेसफुल हो सका। सो पहले 3 अटेम्प्ट तो बिल्कुल क्लाइमेट के वजह से फेल हो गए, एक बार
एक बार हुमायूं का जन्म होता है, उस वजह से फेल हो गया। सो लेकिन हर फेलियर के साथ, बैटल ऑफ खानवा 1527 में फेल हुए थे, देन बैटल ऑफ घाघरा 1529, ये सब बाद बाद में होता गया। लेकिन एक भारत में आने से पहले, जैसे 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई है, उससे पहले तक उस तरह की कोई अपोजिशन थी नहीं उतनी स्ट्रॉन्ग, एंड ही कंटिन्यूड आने के लिए। और ये इंस्टेंस 1502 वगैरह के आसपास से शुरू होता है, जब भारत का कैंपेन वो शुरू कर रहा है, एंड इट इज हैपनिंग फ्रॉम। और उसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था, जो आपको इसका जवाब भी देता है कि बाबर को चेसबोर्ड किंग क्यों बुलाते हैं। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबर द चेसबोर्ड किंग का मतलब उनको एक बहुत बड़े पेडेस्टल पे बिठा दिया गया है। चेस का जो शतरंज का खिलाड़ी है उसको पता है शायद राजा सबसे कमजोर कड़ी होता है शतरंज का, और बिल्कुल शतरंज के राजा की तरह बाबर एक टेरिटरी जीतता था तो पता चलता था कि दूसरे जगह पे कुछ परेशानी हो रही है। जब तक वो आगे रास्ते में जा रहा है, जो पहले वाली टेरिटरी गंवा देता था, फिर वहां से फिर जब वो आगे बढ़ता था तो ये गंवा दिया। और उसका एक आर्च एनिमी था शैबानी खान, जहां बाबर जाता है वहां शैबानी आता है, वहां से बाबर फिर जाता है, फिर शैबानी आता है, एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। और भाग करके ईस्ट में माइग्रेट करते करते फाइनली वो काबुल पहुंचता है अपने आप को बचाने के लिए। और ये टॉम एंड जेरी का खेल चलता रहता है। लेकिन फाइनली जब उसको पता चलता है दूसरे कैंपेन के समय काबुल की तरफ भी बाबर शैबानी आ रहा है, बोला कि भागो शैबानी आ गया। तो मतलब भगौड़ा कहना बहुत नॉन नुआंस लगेगा, लेकिन ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम शैबानी एज वेल। तो इसकी जो पूरी जर्नी है, जैसे चेस बोर्ड में 64 खाने होते हैं ना, यहाँ से टक 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 यहाँ, सो उसने पूरा वो किया। और वो पूरी तरह से अपने पॉन्स और अपने लोगों पर डिपेंडेंट था, उसके बेग्स थे, बेग्स एक टाइटल होता है, बेग्स अमीर्स, ये लोग उसकी मदद करते थे स्ट्रेटेजी बनाने, वो भी अच्छा स्ट्रेटेजी मेकर था। और उसने अपनी गलतियों से हर बार बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसकी जर्नी पूरी चेसबोर्ड किंग की तरह रही थी। और ऐसे ऐसे उसको अपोजिशन मिले, क्लाइमेट से हमेशा अपोजिशन मिलता था, क्योंकि जिस रास्ते से वो चल के आ रहा था वो बर्फ से घिरा रहता था, और पतले पतले रास्ते थे वहाँ पे, कई बार आप जब जा रहे हैं बर्फ, और जब कब वो धस जाएगा आपको मालूम नहीं है। और कई बार एक कैंपेन में ऐसा भी हुआ था कि उनके पास खाने की कमी होने लगी, जब खाने की कमी होने लगी तो अपने घोड़े को मार करके वो खाए, जब अपने घोड़े को मार के आपके पास घोड़े नहीं है, जब घोड़े नहीं है तो आप आगे कैसे जाएंगे, तो उनको घोड़े, फिर दूसरों को जो ट्राइबल्स हैं उनको मार करके उनके पास से घोड़े और गधे लेकर के फिर वो कैंपेन आगे बढ़ाता है। सो एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव भी जो लोगों का रहता है ना कि बाबर आ रहा है हजारों हजारों की संख्या में लोग आ रहे, ऐसे नहीं हो रहा था। एक छोटा सा जत्था निकला था, और ऑब्वियसली जो पहले के बैटल्स भी होते थे, जो हमारा इमेजिनेशन होता है कि मैसिव बैटल इतने जो दिखा रहे थे, दिखाया था। हाँ, वैसा नहीं होता था, क्योंकि उस समय इट वाज ऑल अबाउट मस्कुलिन पावर। आज आप 2 घंटे युद्ध करोगे आपस में, आप खड़े नहीं रह सकते, इंसान तो उस वक्त भी इंसान ही था ना। आप कैसे इमेजिन कर रहे हो कि सुबह 6 बजे से कोई युद्ध करना शुरू करेगा रात के 12 बजे तक, वैसा नहीं होता था। बैटल भी शॉर्ट ड्यूरेशन होते थे, लोग भी कम होते थे, उस तरह का बैटल सीन नहीं रहता था जैसा दिखाया जाता है। और ये पुस्तक एक्चुअली बाबर के सेकंड फेल्ड अटेम्प्ट तक रुकती है, और उसके बाद तीसरी अटेम्प्ट, चौथी और पांचवी अटेम्प्ट की कहानी आगे की पुस्तक में आएगी। और लेकिन चूंकि आपने बैटल ऑफ खानवा का जिक्र किया था, बैटल ऑफ खानवा से पहले एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बनाया। बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा से जिसमें युद्ध होती है, और बाबर फाइनली अपना पूरा प्रभुत्व फैला चुका है। लेकिन इससे पहले जो बैटल ऑफ बनाया हुआ था, वहाँ पे कहानी ऐसी कही जाती है कि जो लोग उस बैटल में लड़ने गए थे उन्होंने बैटल ऑफ खानवा में जाने से मना कर दिया बाबर को। वो ये बताते हैं कि हमें सपने में भी वो राजपूतों की सपने आते हैं, ऐसी हालत की थी उन्होंने। और ये बाबर नामा में बाबर ने लिखा है, क्योंकि वो तो डायरी लिख रहा था, उसको नहीं पता था कि 2024 में हम बैठ करके उसके ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। वो तो उसकी पर्सनल डायरी थी, ऑटोबायोग्राफी भी नहीं थी। तो अपोजिशन लेकिन हाँ, और बाबर ने कोई बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश नहीं किया था, छोटे छोटे स्मॉल रीजन पे उसकी पकड़, कबीले जैसा बनाता था। आवाज, क्योंकि ये शो लंबा हो गया है, हम इस शो का ब्रेक करेंगे जी, और हम इस शो को आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में जी।
ऑडियंस आपके लिए ये शो कंटिन्यू रहेगा सेकंड पार्ट में, जिसको मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, तो बने रहिए इस पूरे शो में, क्योंकि बाबर के बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे पास बचे हुए हैं।